हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय और आज के इस वीडियो के अंदर हम पोको F1 और पोको X2 के बीच में एक छोटी सी पबजी कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको इन दोनों ही डिवाइस के अंदर पबजी खेल के दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि दोनों ही डिवाइस के अंदर मैंने FPS मीटर को चालू करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन FPS मीटर अनफॉर्चुनेटली चालू हुआ नहीं। तो यहाँ पर FPS मीटर के बिना आप सबको एक कंक्लूसिव डेटा नहीं मिल पाएगा, जिसको देख के आप ये कंक्लूड कर पाए कि दोनों में से कौन सा डिवाइस पबजी खेलने में बेस्ट है। तो यहाँ पर मैं आप सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। मैंने दोनों ही डिवाइस के अंदर अच्छा खासा टाइम के लिए पबजी खेला हूँ और मुझे एक आइडिया तो हो चुका है कि दोनों डिवाइस के अंदर कौन सा डिवाइस कितना बेहतर है और कितना कैपेबल है पबजी खेलने के लिए। तो इस डिवाइस के अंदर मैं आप सबको अपना वही एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जो देख के डेफिनेटली आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सा डिवाइस आपको 16,000 रुपीज़ के अंदर या फिर 15,000 रुपीज़ के अंदर बजट के अंदर खरीदना चाहिए पबजी खेलने के लिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। सो दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आप सबको तो पता ही है कि पोको F1 के अंदर स्नैपड्रैगन 845 वाला प्रोसेसर है, जो कि पोको X2 के स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर से बेहतर है इन केस ऑफ गेमिंग। और अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें तो स्नैपड्रैगन 845 इज़ फार बेटर देन स्नैपड्रैगन 730G, और बेंचमार्किंग स्कोर्स भी स्नैपड्रैगन 845 के ऑब्वियसली ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि पोको X2 को भी बेहतर बनाती है पोको F1 से। तो यहाँ पे शॉर्टली मैं आप सबको बोलता हूँ, डायरेक्टली मैं आप सबको बोलता हूँ कि पोको F1 और पोको X2 में से आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे पोको F1 और पोको X2 के बीच में सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि पबजी ओपनिंग टाइम जो है वो किसके अंदर ज़्यादा फास्ट है। तो शॉर्टली आप पबजी ओपनिंग टाइम को एक बार देख लीजिए। सो देखते हैं कि कौन सा डिवाइस सबसे पहले पबजी मोबाइल को यहाँ पे लोड करता है। और दोनों ही डिवाइस सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, एक्चुअली वाईफाई नहीं, एयरटेल 4G नेटवर्क से। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन आ चुका है पोको X2 में। जी हाँ, देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं, क्वाइट सरप्राइजिंग था एक्चुअली मेरे। सो गाइस, यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि स्नैपड्रैगन 845 होने के बावजूद भी यहाँ पे पोको F1 के अंदर थोड़ा लेटली ओपन हुआ पबजी मोबाइल, अगर इसको हम कंपेयर करें स्नैपड्रैगन 730G पोको X2 के अंदर। इस टेस्ट से आपको क्या पता चलता है? इस टेस्ट से हमको ये पता चलता है कि पोको X2 के अंदर जो 730G प्रोसेसर है वो भी इक्वली कैपेबल है स्नैपड्रैगन 845 की तरह। इक्वली कैपेबल बोलना गलत होगा, एक्चुअली मतलब उसके आसपास ही जाता है स्नैपड्रैगन 730G, तो यहाँ पर वो इतना भी बुरा नहीं है। तो यहाँ पे आप सबका ये क्वेश्चन होगा कि क्योंकि स्नैपड्रैगन 730G बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है, ऑलमोस्ट स्नैपड्रैगन 845 की तरह ही, तो क्या इसके अंदर हम अगर GFX टूल को इंस्टॉल करके स्मूथ और एक्सट्रीम्स ग्राफिक्स के अंदर पोको X2 के अंदर पबजी को खेले तो ये मतलब ज़्यादा टाइम के लिए 3-4 घंटे के लिए पोको F1 की तरह ही इसको हैंडल कर पाएगा कि नहीं पबजी मोबाइल को। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेटली खेला हूँ पोको X2 के अंदर GFX टूल को इंस्टॉल करके। एक दिन पूरा मैंने पोको X2 के अंदर GFX टूल इंस्टॉल करके खेला हूँ। रात को मैं जब पबजी खेलता हूँ 3-4 घंटे के लिए, तब मैंने पोको X2 के अंदर पूरा खेला हूँ GFX टूल को इंस्टॉल करके टेस्टिंग करने के लिए। और मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ कि पोको X2 का जो स्नैपड्रैगन 730G है वो, जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये आराम से हैंडल कर पाएगा पोको F1 की तरह ही। आपको बहुत आइडेंटिकल गेम प्ले देखने को मिल जाएगा जब आप पोको X2 के अंदर स्मूथ और एक्सट्रीम ग्राफिक्स के अंदर खेलेंगे GFX टूल को अप्लाई करके। तो यहाँ पे कंक्लूशन क्या निकलता है? यहाँ पे कंक्लूशन यही निकलता है कि पोको F1 के मुकाबले पोको X2 के अंदर डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा, डिज़ाइन सब कुछ काफ़ी बेहतर है। और स्पेशली जो डिस्प्ले है 120Hz वाला रिफ्रेश रेट के साथ इतना स्मूथ आपको एक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और पोको F1 के 60Hz वाले डिस्प्ले से तो डबल स्मूथ है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। और जी हाँ, मैं मानता हूँ कि पोको F1 के अंदर स्नैपड्रैगन 845 है, लेकिन फिर भी आप पोको X2 को कंसीडर कर सकते हैं आज के तारीख में। मैं टेस्टिंग करने के बाद ये डेफिनेटली आप सबको रिकमेंड कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास 16,000 का बजट है और आपको पबजी खेलने के लिए एक बेस्ट डिवाइस चाहिए, तो बेस्ट तो नहीं बोलूँगा लेकिन ओवरऑल एक अच्छा डिवाइस चाहिए 15,000-16,000 रुपीज़ के बजट के अंदर, तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा कि पोको F1 के ऊपर आप पोको X2 को खरीद सकते हैं। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे आपको इक्वली अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है पोको X2 के अंदर, और यहाँ पे जो डिज़ाइन बैटरी वगैरह जैसा कि मैंने आपको बोला वो बेहतर है पोको X2 के अंदर। लेकिन यहाँ पे फिर भी अगर आपको ऐसा मन होता है कि आपको रॉ पावर सबसे टॉप में चाहिए और पोको F1 का थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले और 2 साल पुराना जो डिज़ाइन है वो आप, मतलब इससे आपको कोई भी इशू नहीं है, दिक्कत नहीं है आपको पोको F1 के डिस्प्ले और डिज़ाइन वगैरह से, तो आप डेफिनेटली पोको F1 को भी खरीद सकते हैं। इसका जो परफॉर्मेंस है, कैमरा क्वालिटी है, वो आज के तारीख में भी इक्वली बेटर है। तो यहाँ पे इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आप सबको इतना ही बोलूँगा कि पोको X2 के अंदर बैटरी बैकअप भी बेहतर है, मैंने टेस्ट किया हूँ पोको F1 के मुकाबले, ज़्यादा बेहतर नहीं है, 1-2% का डिफरेंस होता है पर पबजी मैच खेलने के बाद। और यहाँ पर डेफिनेटली कैमरा, डिज़ाइन और डिस्प्ले के बारे में मैंने आप सबको बोल ही दिया। सो बस अगर आपको 16,000 रुपीज़ के अंदर एक मॉडर्न डिवाइस ख़रीदना है अच्छी पबजी खेलने के लिए 16,000 रुपीज़ के अंदर आज के तारीख में, तो आप डेफिनेटली पोको X2 को ख़रीदिए। और अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, डिज़ाइन वगैरह आपको उतना ज़्यादा मैटर करता नहीं है, पोको F1 से आप ओके है, तो डेफिनेटली इसका परफॉर्मेंस तो भाई अच्छा है ही, आप पोको F1 को भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन मैं आप सबको प्रेफर करूँगा एक लेटेस्ट स्मार्टफोन जो कि है पोको X2। सो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को छोड़ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड सी यू माई नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली।